हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक नए व्लॉग में। तो हम लोग आ चुके हैं अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो आज का जो इवेंट है वो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो बेसिकली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है हमारी ट्रेन में, छोटी मोटी चोरियाँ वगैरह, साइबर केसेस जो भी होते हैं, उन सब के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए इस अवेयरनेस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया है। वैसे हम लोग तो लेट पहुँचे हैं, चलिए अभी अंदर चलते हैं। प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हम लोग को आना था 11 बजे, ये ट्रैफिक का वजह से इतना देरी हो गया कि 20-25 मिनट आने में ही लग गया। सो हेलो गाइस, दिस इज़ उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द उदेश व्लॉग्स। तो चलो वीडियो शुरू करी। ताकि आपका अगर कुछ साइबर क्राइम हुआ है आपके अकाउंट के थ्रू, उसको बंद करवा सकते हैं। तो फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आईजी साहब और उनका टीम का, एंड उनको यही रिक्वेस्ट रहेगा, एसबीआई इज प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम, एंड आगे जाकर के जहाँ और भी इतना कुछ प्रोग्राम हो सके या जहाँ हम लोग भी शामिल हो सके, वो रिक्वेस्ट भी रहा। एंड जो कुछ मदद हम लोग अपनी तरफ से कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। इसी के साथ सर, आप लोगों से इस प्रोग्राम के लिए और एक बार धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, बिल्कुल फॉरवर्ड और अच्छा ये सोचा संजो करना है। अब मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ हमारे थिंक टैंक, जिन्होंने सारी चीज़ों को कंजी किया, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा। तो वीडियो अवेयरनेस हो, ऑडियो अवेयरनेस हो, पेन एंड पेपर में आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आई टी सर श्री अरुण जोगी से कि कृपया इसे जारी कर सकते। दोनों मिल के एसबीआई और इंडियन रेलवे क्रॉस करके एनएफ रेलवे दोनों मिल के आप लोग के सामने पैसेंजर अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आया। आप उसे देखा होगा टीवी, अब पब्लिक डिस्प्ले नेटवर्क भी है। एक महीना पहले हम लोग नशा पुराने वाला जो ड्रगिंग करता है पैसेंजर के साथ दोस्ती करके जाता है, उसको ड्रग खिला के उसको सामान चोरी करने के लिए उसको हम लोग पकड़ा, काम क्या नहीं पकड़ के एंक्वायरी करने में मालूम हुआ है वो बहुत उनसे कोशिश कर रहा है नक्शा पुरानी करने के लिए पैसे देते, बट कामाख्या स्टेशन आके वो किसी ट्रेन में जाने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम देखा पब्लिक सब टीवी को देख रहा है, वो नशा पुराने का हम लोग वीडियो चला था, पैसेंजर अवेयरनेस वीडियो था, उसको देख के वो वापस चला जाता है। हमारा कोई विक्टिम नहीं मिलेगा, हमारा कोई पैसेंजर को धोखाबाजी नहीं देता। आपको ये भी बोलना चाहता एवरी ईयर इसका एक 23-24 एक ऑलमोस्ट 365 डेज में 10,000 कंप्लेंट आपको डिस्पोज किया। वो कंप्लेंट मोस्टली क्या है, रेल मदद में आ रहा है, रेल मदद आपको मॉर्निंग सब पैसेंजर को मारता है, जो भी वो पैसेंजर ट्रेन ट्रैवलिंग का टाइम में कुछ भी इश्यू होगा, वो सिक्योरिटी इश्यू होगा, कुछ असिस्टेंट हो गया, कुछ हेल्प कर रहे हैं कोई सर्विस है।
जाता है ऑल ओवर इंडिया से, तो रही बात कंप्लेंट से, उसको जो भी ग्रीवेंसेस होगा, सिक्योरिटी होगा, सर्विसेज का डिफिशिएंसी होगा, कुछ मदद चाहिए, कुछ असिस्टेंस चाहिए, एनीथिंग, वो रेलवे बस कंप्लेंट को वो लॉज कर सकते हैं ट्रेन में ट्रैवल करने का टाइम। उसी में कुछ कुछ इश्यूज आ रहा है, पैसेंजर का बिहेवियर और कुछ असिस्टेंस, बहुत सारा पैसेंजर अपना फैमिली से बात नहीं कर रहा है, फोन स्विच ऑफ करके रखता है, तो पैसेंजर का फैमिली हम लोग से रिक्वेस्ट करता है कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर। कुछ कुछ ऐसा इश्यूज़ होता है पैसेंजर के बीच में, हार्ट अटैक हो जाता है सीट पर लेके और सीट का नीचे लगेज रखने के लेके, और सम अदर इश्यूज़, पानी नहीं है, कुछ इशू, वो सबका सोल्यूशन रेल मदद। रेल मदद में हम लोग पॉपुलराइज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया। रेलवे मदद कंप्लेंट सबसे ज़्यादा पैसेंजर से, पैसेंजर को रीच करना चाहिए, उसको द्वारा जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी इश्यूज, हम लोग तुरंत उसको सेटल कर सकते हैं, उसके चलते कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा से बढ़ेगा, हमारा कस्टमर ओरिएंटेड फोकस बढ़ेगा, अल्टीमेटली पैसेंजर्स विल गेट सेटिस्फेक्शन, अच्छा से हम लोग का सेटिस्फेक्ट सर्विस हम लोग कर सकते। उसी का एक सैम्पल था सिक्योरिटी एंड मिसलेनियस इश्यूज, असिस्टेंस इश्यूज, उसको हम लोग अभी अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। पैम्पलेट्स पैम्पलेट इज स्पॉन्सर्ड बाई GMSPA, पैम्पलेट्स मल्टीलिंगुअल पैम्पलेट्स है विद लॉट ऑफ विजुअल पिक्चर्स, वो देखने में समझ में आ जाएगा। डूस एंड डोंट्स हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट में, कुछ ना कुछ पता चल रहा है। अब रेलवे में हम लोग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके हम लोग वॉट एवर वी कुड डू, उसी हिसाब से सम काइंड ऑफ अवेयरनेस कर सकते, सो दैट वो ट्रैवलिंग अच्छा है, सही सलामत पहुँचे, एट द सेम टाइम एक अच्छा एक्सपीरियंस है वो पैसेंजर के साथ अच्छा से ट्रैवल करके जाने का ये प्रयास हम लोग किया। अभी तक कितना केस आप लोगों ने ऐसा मतलब रजिस्टर किया है या आप लोगों को कंप्लेन आया है, कितना केस आया है? ऑलमोस्ट 10,000 केसेस आर कमिंग एवरी ईयर। ये अवेयरनेस कैंपेन करने के बाद ऑलमोस्ट 40% कंप्लेंट ऑटोमेटिकली रेडी हो। ऐसा मोबाइल या लैपटॉप ऐसा स्टोलन केस अभी तक कितना रजिस्टर आप लोगों ने किया? इस साल में हम लोग 480 क्रिमिनल को हम लोग पकड़ा है, 480 को पकड़ा है। अब वो स्टोलन मतलब मोबाइल और लैपटॉप जैसा, मोबाइल लैपटॉप। और दूसरा केस को मिला है क्या? इसके अलावा 12 जो ड्रगिंग करता नशा करानी करता है, हाँ वो भी हम लोग पकड़ा है। सो वो हमारा होजाए सेक्शन में, डुबरी सेक्शन में और नंगिया सेक्शन में हम लोग 12 आदमी पकड़े। ज़्यादा केस कहाँ से आता है? ज़्यादा केस ऐसा कुछ पिन पॉइंट नहीं करता। गुवाहाटी से ज़्यादा होता है क्या? ऐसा कुछ ये तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, बट हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही में हो रहा है बिकॉज फुटफॉल बहुत ही में ज़्यादा है, मैक्सिमम ट्रेन ऑरिजिनेट होता है इधर से ज़्यादा, सो पैसेंजर का रीच होने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए गुवाहाटी स्टेशन का हम लोग चूज़ किया है। इसके अलावा फिर कामा क्या भी करेंगे, लंबिंग भी करेंगे और कुछ स्टेशन प्रॉमिनेंट स्टेशन पर करेंगे, सो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसेंजर को रीच आउट करेंगे वो मैसेज सब हम लोग। आपको पता है या जो पैसेंजर अवेयरनेस प्रोग्राम जो हुआ है इसमें ये एक जॉइंट एफर्ट हम बोल सकते हैं कि इंडियन रेलवेज और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से। अब सबको मालूम है भारतीय स्टेट बैंक सबसे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स भी हैं, और ये जो डिजिटल आजकल बैंकिंग हो गया जो हमारा बैंकिंग बेसिकली हमारा मोबाइल के थ्रू जो बैंकिंग होता है आजकल, तो आपका मोबाइल खो जाता है एंड ऑल्सो आजकल जो साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उसी के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस देने के लिए जो यात्री यहाँ पे जाते हैं आजकल, देखिए सबके पास मोबाइल है लैपटॉप है तो ये चोरी ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मोबाइल में अपना पासवर्ड वगैरह सिक्योर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो मिसयूज़ हो सकता है वो बैंकिंग का, आपका मिसयूज़ हो गया मतलब आपका जो अकाउंट से पैसा भी निकल सकता है, ये सब ज़्यादा आजकल ये क्राइम हो रहा है। खाली ये नहीं है, उसके अलावा जो आप OTP रिलेटेड फ्रॉड होता है, कोई मैसेज आ गया किसी ने आपको बोला कि आपको लिंक पे क्लिक कर दीजिए आपका ये काम हो जाएगा वो काम हो जाएगा, ये सब चीज़ के लिए अवेयरनेस करने के लिए SBI की तरफ से तो रेगुलर प्रयास रहता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया में हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट सब आता है। उसके अलावा जो एक हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-1234 चारों तरफ है, कोई अगर कोई किसी को भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम में आते हैं तो ये नंबर को आप फोन करके आपका अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, सो दैट कुछ और ज़्यादा पैसा निकल ना सके। बट यही है कि हमको अवेयरनेस को बढ़ाना है, ये सब चीज़ जो भी साइबर क्राइम्स होता है
थोड़ा सा असावधान जो होते हैं कस्टमर उसी के लिए होता है। तो ये हम जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं क्या क्या करना है, ये जो ब्रोशर आप देखेंगे उसमें कस्टमर पर डूज एंड डोंट्स है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस सबके बारे में दिया है। ये जागरूक बनाने के लिए कस्टमर को ये चीज़ शुरुआत और ये गुवाहाटी से शुरुआत हुआ है। आई थिंक उनके साथ मिलकर हम और भी कई जगह पे इसको और प्रसार करना चाहिए, ये एक प्रयास है, ये जारी रहेगा, ये तो एक दिन का बात है। हाँ, दो आपको जो है हम लोगों ने VIP लॉन्च बनाया है जो पैसेंजर्स के लिए जो बाहर बैठे रहते हैं उसको 40 रुपीज़ या पर आवर के अनुसार अंदर जाके AC में बैठ सकते हैं। बाकी वहाँ स्नैक्स और ये सब सारा चीज़ का इंतजाम किया हुआ है, सब चीज़ का वो कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट काउंटर पे भी जो है हम लोगों ने अब ऑनलाइन जो है ATM से या डायरेक्ट जो है Paytm से पेमेंट के लिए हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग काउंटर बना दिया है ताकि उसमें जो है आपका जो है डायरेक्ट जो है ऑनलाइन आप जो है Paytm या गूगल पे या इससे जो है डायरेक्ट आप लोग ये कर पाएँ। इसमें एक कुछ रेस्टोरेंट देख रहे हैं आप लोगों ने बाहर बना दिया है, हम लोगों ने कुछ रेस्टोरेंट खाना ये सब ले लिए जिसमें तरह का पैसेंजर का ये है। दूसरा है कि आपका जो है डिस्प्ले के लिए यहाँ पे गुवाहाटी में 7 नंबर प्लेटफॉर्म आगे बनाने के लिए उसका भी हम लोगों का ये हो रहा है। ये ROB देखा होगा आप लोगों ने टूट गया, अब ROB टूटने के बाद जो है एक अलग प्लेटफॉर्म और एक सेकेंड एंट्री पान बाजार जो बनने वाला है इसमें STC से जो है हम लोगों ने वो लैंड जो है उसे ले लिया है और उस तरफ अलग जिधर जैसा इधर बना हुआ है उस तरफ से भी एक अलग एंट्री जो है बनाने का ये है ताकि पैसेंजर डायरेक्ट उधर से आ सके। उसके लिए वो बिल्डिंग टूटेगा, हम लोगों ने पैसा उसका जमा कर दिया उनको और हम लोगों को लैंड हैंड ओवर हो जाएगा तो बिल्डिंग टूट के वहाँ पे सेकेंड एंट्री के ये में अलग से आपको ये बनेगा और अलग से 8-7 नंबर प्लेटफॉर्म जो है 8 नंबर यहाँ बनाया जाएगा और उधर के पैसेंजर जो है डायरेक्ट उधर से ही आ पाएंगे इधर। इसके अलावा बाकी आपको देख रहे हैं इधर फैसिलिटीज़ के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये बनने वाला है उसका भी ये चल रहा है, वो भी 1-8 साल में जो है ड्राइंग ये सब ये हो गया है। उसके लिए वर्ल्ड क्लास स्टेशन अलग बनाया जाएगा जो आपको जो है अलग बिल्डिंग और अलग उसके लिए एंट्री और एग्जिट ये सब का भी काम चल रहा है। सर बेसिकली और कितना प्लेटफॉर्म्स बनने वाले हैं? एक और प्लेटफॉर्म बनेगा और उसका प्लेटफॉर्म बनना से बड़ा है कि आपका जो ये मूवमेंट अभी है ये मूवमेंट थ्रू हो जाएगा। आपको जो बीच में नहीं जा रही है ट्रेनें जो है अब उधर जैसे सेकंड एंट्री के तरफ से उधर से जो लोग आ रहा है उसको यहाँ आना पड़ता है, उधर से ही डायरेक्ट वो चला आएगा उसे आ सकते हैं। तो इस तरह का कनेक्शन अलग आपका यही है। सर जो आपने बोला गुवाहाटी स्टेशन रीइनोवेट होने वाला है वो कितना दिनों में होगा? अभी 1 साल उसमें लगेगा, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं आगे चलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस इवेंट ख़त्म हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं। दरअसल ये इवेंट 11 बजे से शुरू हो गया था, हमारा देरी हुआ बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था पता नहीं आज क्या हो गया, गुवाहाटी में अजब लेवल का ट्रैफिक था। अब हम लोग का घर भी तो वैसे दूर ही है, यहाँ से आने में भी टाइम लग जाता है, सो उस चक्कर में थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया। लेकिन बाद में हम लोग गए तो रिजर्व लॉज में हम लोग गए, बाद में जो हमारे सर थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हेड सर जो थे वो आए थे एंड SBI के जनरल मैनेजर थे, वो उनसे हमारी बातचीत हुई। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वैसे भी कुछ और दिखाने लायक बचा नहीं है, देर से आने का यही परिणाम होता है। एनीवेज आई वुड लाइक टू थैंक अनिरुद्ध सर जिन्होंने हमें कल फ़ोन करके इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। दिस इज उदय दास साइनिंग ऑफ फ्रॉम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। बाय बाय।